हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घुटनों की ग्रीस को दोबारा कैसे बना सकते हैं। बहुत ही साधारण सा तरीका आपको बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ये मानिएगा कि ये नुस्खा आपके लिए चमत्कार करेगा, क्योंकि हर मुश्किल चीज फायदा करे ये जरूरी नहीं है। तो इस आसान से नुस्खे को जरूर सुनिए और इसे अपनाइए, ताकि इसका इस्तेमाल करके आपको फायदा ही हो। दोस्तों, एक चीज बताइए, क्या आपके घुटने घस चुके हैं? डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप इनका कोई इलाज नहीं करवा रहे, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो जिंदगी भर आप दवाई खाते रहिए। अगर आप उठने बैठने में परेशानी महसूस करते हैं, या फिर आप कहीं आ जा नहीं पाते, आपको किसी भी काम को करने में परेशानी होती है, तो दोस्तों ऐसी समस्या 50 साल की उम्र के बाद होती है। लेकिन दोस्तों, हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि घुटनों का दर्द बहुत जल्दी आने लग गया है, यानी ये उम्र नहीं देखता। खासतौर के महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप 30 या 40 साल के हैं, तो आप थोड़ा सा गिरते हैं, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, यानी हड्डी कमजोर हो चुकी है। अगर आपको ये समस्या है, तो जो रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका इस्तेमाल जरूर करना शुरू कर दीजिए। आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। अगर आपकी घुटने ग्रीस खत्म हो चुकी है, घिस चुके हैं, तो वो भी वापस ठीक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस रेमेडी को हमने तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या खाना है, सुबह का रूटीन आपका किस तरह का होना चाहिए। तो उस तरह से आप फॉलो करते रहेंगे, तो 1 से 2 महीने के अंदर ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपकी हड्डियां इससे मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों, ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है, जिनकी कमर में दर्द रहता है, किसी भी तरह की हड्डियों से रिलेटेड दर्द हो रहा है, उसके लिए रेमेडी बहुत फायदेमंद है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज वो है 2 पके हुए केले, साधारण से केले जो आपके घर पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसे आप मिक्सी के जार में डाल देना। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, तो यहाँ पर आपने दोस्तों करना क्या है, 10 से 15 किशमिश ले लेनी है। दोस्तों, किशमिश ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, किशमिश हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, इसके अलावा खून को बढ़ाने का काम करती है। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी गर्म रहती है, तो आप पहले किशमिश को भिगो देना, उसके बाद इस्तेमाल करना। इसे भी आपने मिक्सी के जार में केले के साथ ही डाल देना है। अब आपने अगली चीज जो लेनी है, वो है बादाम। रात को आपने 10 से 11 बादाम भिगो देने हैं। ध्यान रखिएगा, बादाम की मात्रा ज्यादा या कम नहीं करिएगा। एक इंसान के लिए बना रहे हैं, तो 10 से 11 बादाम आपने जरूर लेनी है। बादाम के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, गुड फैट होती है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा है। दोस्तों, केले के अंदर भी बहुत कैल्शियम होता है, आयरन होता है। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि केला खाने से फैट बढ़ जाता है, तो हम तो इस केले को नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे तो हमारा फैट बढ़ जाएगा। तो आपको एक चीज बता दूं, केला एक संपूर्ण आहार है। अगर आप 2 केले खा रहे हैं और इसके बाद 15 या 20 मिनट के बाद रोटी खा रहे हैं, तो ये फैट बढ़ाएगा, क्योंकि केला संपूर्ण आहार है। तो केला खाने के बाद रोटी खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोटी खा चुके हैं, तब भी आपको केला खाने की जरूरत नहीं है। तो यानी समझ लीजिए कि अब आप इसको ले रहे हैं, तो आप उस टाइम का लंच जो है वो नहीं लेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर आप इस तरीके से अकेला केला खा रहे हैं, रोटी नहीं साथ खा रहे, तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपके अंदर गुड कोलेजन बढ़ जाएगा। आपकी हड्डियों के बीच जो कार्टिलेज होते हैं, वो ग्रीस जिसे कहते हैं, वो अगर खत्म हो चुकी है, वो दोबारा बन जाएगी। दोस्तों, अगर आप यह बादाम, केला और किशमिश का ड्रिंक बनाकर लेते हैं, तो ये आपकी हड्डियों के अंदर लिक्विड हमेशा ही बना रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, साइनोवियल फ्लूइड कभी खत्म नहीं होगा। जो लोग ज्यादातर कब्ज की समस्या से पीड़ित रहते हैं, या बॉडी में वात ज्यादा बनती है, वायु ज्यादा बनती है, गैस ज्यादा बनती है, तो ऐसे में ये लुब्रिकेंट होता है जो सूख जाता है, जिसके कारण हड्डियों की ग्रीस खत्म हो जाती है, जो घुटने हैं वो घिसने लग जाते हैं, आपस में टकराने लग जाते हैं, तो ये समस्या तभी आती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर गर्म चाय पी लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ गुनगुना पानी पीना है, चाय बिल्कुल नहीं पीनी। दोस्तों, आपने बादाम को छील लेना है और इस जार के अंदर, जो जार है जिसमें हमने केले और किशमिश डाली है, उसके अंदर डाल देना है। नेक्स्ट चीज और लास्ट चीज जो हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं दोस्तों, वो है दालचीनी पाउडर। सिर्फ आपने 2 से 3 चुटकी दालचीनी पाउडर इसके अंदर डालना है, जो कि खून को साफ करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देगा, और कुछ लोगों की नसों में दर्द रहता है, नसों में सुन्नपन रहता है, तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अब दालचीनी डालने के बाद आपने इसके अंदर 1/2 गिलास पानी डाल देना है। ध्यान रखिए, दूध नहीं डालना, पानी डाल दीजिए और इसे ग्राइंड कीजिए, एक स्मूदी बन जाएगी। चीनी नहीं इसमें डालनी, चाहे मीठे की जरूरत है चाहे नहीं है। और इसके अलावा आपने इसके अंदर दूध भी नहीं डालना, जो पानी और बादाम है वो अपने आप बादाम मिल्क बन जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। आप चाहे तो इसके अंदर 2 से 3 भीगे हुए काजू क्रश करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने लंच के अंदर अगर ये लेना शुरू करते हैं, या ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, रात के समय नहीं ले, ब्रेकफास्ट में या लंच में ले लीजिए, रोटी नहीं खाइए, तो आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा, बल्कि घुटनों की ग्रीस जो खत्म हो चुकी है, जो घुटने सूख चुके हैं, वो आपके दोबारा रिकवरी करना
करना शुरू हो जाएंगे। आप इसके आधा घंटा पहले सैलेड खा लीजिएगा, जैसे हम सैलेड नॉर्मली सैलेड खाते हैं फिर आधा घंटा बाद रोटी खाते हैं, तो आप सैलेड जरूर खा लीजिएगा, उसके बाद आधा घंटा बाद में आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। चाय कॉफी लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए काफी 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 नुकसान वाली है, तो इसका सेवन तो आपने बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।